के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर लिखा है, समस्त प्रदेशवासियों को देवभूमि उत्तराखंड में अत्यंत हर्षोल्लास से मनाए जाने वाले मां भगवती नंदा सुनंदा की आराधना के पावन पर्व नंदाष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मां नंदा सुनंदा की कृपा दृष्टि आप सभी राज्यवासियों पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना है। और देखिए एक्सपोस्ट कर लिखा है, मां भारती की सेवा हेतु अनिश्चित समर्पित विश्व के सबसे बृहद स्वयंसेवी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संत संघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभकामनाएं। प्रभु बद्री विशाल से आपके आरोग्य पूर्ण सुखद एवं मंगलमय जीवन की। और देखिए लगातार एक्सपोस्ट आपको सीएम पुष्कर सिंह धामी की बता रहे हैं और यहाँ पर लिखा है, सर्वोदय व भूदान आंदोलन के प्रेरणा महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं समाज सुधारक भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती पर कोटिशन नमन। और देखिए लिखा है, हिंदी साहित्य में छायावादी युग की प्रमुख स्तब्ध महान साहित्यकार ज्ञानपीठ एवं पद्म पुरस्कार से अलंकृत प्रख्यात कवियत्री महादेवी वर्मा जी की पुण्यतिथि पर कोटिशन नमन और अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के माध्यम से साहित्यिक जगत को समृद्ध करने में आपके द्वारा दिया गया योगदान अविस्मरणीय है। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा दिए गए ऐतिहासिक उद्घाटन की 131वीं वर्षगांठ पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। स्वामी जी ने धर्म सम्मेलन के माध्यम से वेदों में निहित विश्व बंधुत्व व मानव कल्याण का संदेश विश्व को दिया। उनके ओजस्वी उद्बोधन से हिंदू देखिए सनातन संत परंपरा के अनुपम रत्न श्री हनुमान जी के परम उपासक बाबा नीब करौली जी की महाराज जी के तिरुभाव दिवस पर उन्हें कोटिशन नमन। और देखिए कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभ भानु सुते देवी प्रणाम मामी हरे प्रिय ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी कृष्ण प्रिय श्री राधे जी के प्रकोत्सव पर राधाष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी से प्रार्थना है कि आप सभी का जीवन सुख समृद्धि एवं भक्ति से परिपूर्ण हो। और देखिए यहाँ पर लिखा है, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे जी की जयंती पर उन्हें कोटिशन नमन। जनसेवा के क्षेत्र के आपके द्वारा किए गए कार्य अविस्मरणीय है। देखिए आगामी 12 सितंबर से कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा की फिर से शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें कि 31 जुलाई को केदारनाथ में आई आपदा के बाद कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा स्थगित कर दी थी। कांग्रेस की प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब कांग्रेस ने अपनी ये यात्रा शुरू की तो वहां की स्थानीय जनता ने कांग्रेस का जमकर विरोध किया और बाद में कांग्रेस ने आपदा का बहाना बनाकर अपनी यात्रा को स्थगित करने का नाम दिया था। केदारनाथ की जनता जागरूक है और वहां की जनता कभी नहीं चाहेगी कि केदारनाथ धाम के नाम पर कोई राजनीतिक हो या फिर निकट भविष्य में वहां की जनता इस यात्रा का विरोध करे। और यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अक्टूबर के दोबारा शुरू होने वाले चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में इन्होंने चारधाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, यातायात व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापार स्थलों में यात्रियों के रुकने की क्षमता का जो डेटा है वो पूरा तैयार करने को कहा। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चारों धामों में दर्शन के लिए यात्री लंबी कतार में खड़े ना रहें, इसके लिए टोकन व्यवस्था पर विचार किया जाए, डिस्प्ले के माध्यम से टोकन नंबर दर्शाने की व्यवस्था की जाए।
साथ ही यात्रा प्लान को आर्थिकी से कैसे जोड़ा जाए जिससे स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ मिले, इसके लिए योजना बनाई जाए। करेंगे कि कितना फिजिबल है नहीं है, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज़ किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे, और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा इससे। यात्री जो आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। कई यात्री ऐसे होते हैं जो काफ़ी एजड होते हैं, यात्रा में आते हैं बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से उनको हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं, तो इस तरह की समस्याएं जो कई बार यात्रा में देखने को आती हैं उन सबसे जो है यात्रा में उस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का एक और बयान इन दिनों खासा चर्चाओं में बना हुआ है। गणेश जोशी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब जब मेरा विरोध होता है तो मुझे इसका फायदा मिलता है। पूर्व में भी जब मेरा विरोध हुआ तो मुझे इसका फायदा मिला, मेरी बेटी भी इसी वजह से बड़ी नेता बन गई। वहीं गणेश जोशी के इस बयान के बाद विपक्ष लगातार गणेश जोशी के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, और इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भी कहा, उन्होंने कहा है कि आप इतने बड़े नेता बन जाइए कि आप मुख्यमंत्री भी बन जाएं, लेकिन आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनकी जांच होनी चाहिए। साथ उन्होंने कहा कि वे बड़े नेता तो बन सकते हैं लेकिन अपराधी नहीं यहाँ पर बन सकते, वे निष्कलंक नहीं हो सकते हैं। कुछ नहीं कहना, आप सबको मैं धन्यवाद भी दूंगा कि जब मैं जनरल हनूत का, लेफ्टिनेंट जनरल हनूत का लड़ाई लड़ रहा था उस समय से आप लोग मेरे साथ हैं और उसमें आप लोगों ने सहयोग भी दिया। उस लड़ाई में क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया जनरल साहब की प्रॉपर्टी और उनके बैजेस के साथ, उनके मेडल्स के साथ, या आपने देखा सैन्य धाम में क्या घोटाले हुए आप लोग लगातार निकालते रहे हो। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के मामले में जब हाईकोर्ट ने निर्देश दिए कि सीबीआई जांच हो, मंत्री जी का तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था ना, कहते मैं नहीं था, तो उनको अपराधी को सजा देने में या जिनने चोरी की सजा देने में क्या दिक्कत थी, वो सुप्रीम कोर्ट क्योंकि इस बात का जवाब दे, वो बड़े नेता बन जाए हमको कोई हर्ज नहीं, वो सीएम भी बन जाए इनको हटा के हमको उसमें भी कोई हर्ज नहीं। लेकिन सुचिता की जहाँ पर बात है वो बड़े नेता बन सकते हैं लेकिन निरअपराधी नहीं बन सकते, वो निष्कलंक नहीं हो सकते। और आज आई के आई अधिक से संपत्ति का मामला है, सरकार के ऊपर हमारी नज़र है कि जो सुचिता की बात करते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, इतने दिन लगा दिए इजाज़त देने में, अगर सही है इजाज़त देने में दिक्कत क्या है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए अच्छा है, अगर निर्दोष निकलेंगे तो आगे के लोगों के लिए नज़ीर बनेगी, पर जांच से क्यों बच रही सरकार। देखिए, रुड़की के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हरिद्वार सांसद और रुड़की विधायक ने शिरकत की। रुड़की पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ता धीर सिंह रोड द्वारा अपने समर्थकों के साथ त्रिवेंद्र सिंह रावत का फूलमाला उन्हें स्वागत किया, और इस मौके पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उनकी शिरकत से छात्रों का हौसला बड़ा है और इसीलिए वे यहां पहुंचे हैं। उन्होंने कार्यक्रम की बहुत तारीफ की। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बन्ना ने कहा कि छात्रों का हौसला बढ़ाने के लिए वे कार्यक्रम में पहुंचने, यहाँ हमारे देश के छात्र ही हमारा भविष्य हैं और इस कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें बड़ी खुशी का एहसास हुआ। देखिए, खबर चंपावत के लोहाघाट से है जहां पर मंगलवार देर रात 9 बजे एसपी चंपावत अजय गणपति अचानक लोहाघाट पहुंच गए और एसपी ने लोहाघाट क्षेत्र में स्वयं मैदान में उतरकर सभी पुलिस ड्यूटी को चेक किया। साथ ही क्षेत्र के होटल, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल कॉलेजों के आसपास व अन्य क्षेत्र में चेकिंग अभियान जो चलाया गया। एसपी द्वारा की गई अचानक छापेमारी से पुलिस कर्मियों व क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान एसपी ने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा, क्षेत्र में बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने में जनपद पुलिस का सहयोग करें और नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि अभियान जारी है, एसपी के द्वारा पुलिसकर्मियों को भी ड्यूटी में लापरवाही ना बरतने की सख्ती हिदायत दी गई है, और एसपी अजय ने कहा कि अजागता
यहाँ पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, नागरिकों की सुरक्षा उनकी प्रथम जिम्मेदारी है। वहीं नगर वासियों के द्वारा एसपी अजय के इस कदम की सराहना की जा रही है। लोग देर रात एसपी को इस तरह देखकर अचंभित रह गए। आज जनपद चंपावत में शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक सरप्राइज चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सत्यापन तथा एमवी एक्ट की चेकिंग, जिसमें ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले, विदाउट हेलमेट नशे में गाड़ी चलाने वाले, रैश ड्राइविंग करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई तथा पुलिस एक्ट में पब्लिक प्लेस में नशे का सेवन करने वाले और न्यूसेंस क्रिएट करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई की गई। और ये लगातार हमारा इस तरीके से अभियान जारी है। गश्त पार्टीज़ का स्कूलों में विजिट या स्कूल टाइम के भरने के और ख़त्म होने के टाइम पे विजिट, मार्केट प्लेसेस जहाँ पे ज्वेलरी के शॉप्स है या बैंक्स एटीएम से, ऐसी जगह यहाँ पे सभी जगह पे पैदल गश्त और बाकी हमारी ड्यूटीज़ को प्रोत्साहित किया जा रहा है, वहाँ पे ड्यूटीज़ भेजी जा रही है। आज जनपद चंपावत देखिए खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर देर रात्रि में करीब 1 बजे एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कोतवाली किच्छा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने सभी पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी को चेक करने के साथ ही कोतवाली किच्छा का निरीक्षण किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी लोगों से अपील की कि क्षेत्र में बेहतर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जनपद पुलिस को सहयोग करना होगा तथा नियमों का पालन करना होगा। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के आदेशानुसार उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा अवैध नशा एवं नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है। मणिकांत मिश्रा द्वारा जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में होटल ढाबों व सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने व पिलाने वालों की चेकिंग कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। और इसी क्रम में देखिए कोतवाली रुद्रपुर पुलिस द्वारा डीडी चौक के आसपास और अन्य थाना क्षेत्र में होटल ढाबों की आकस्मिक चेकिंग की गई तो अनियमितता पाए जाने पर शराब पिलाने वाले दुकानदारों के चालान किए गए। देखिए अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में तलटा सल्ट क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में बाघ आतंक बना हुआ है। वन क्षेत्र अधिकारी मोहन गंगा सरन और वन विभाग की टीम के साथ तड़म गांव में लगाए गए पिंजरे का निरीक्षण किया। क्षेत्र में गश्त करते हुए ग्रामीणों को मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम हेतु जागरूकता अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत तड़म में क्षेत्र के ग्रामीणों व ग्राम प्रधान व वन विभाग की टीम के साथ सामूहिक बैठक कर मानव वन्य जीव संघर्ष की रोकथाम हेतु चर्चा की गई। वन विभाग ने तड़म गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, उसकी गतिविधियों देखने के लिए ट्रैप कैमरे भी लगाए गए और तेंदुए की कोई भी गतिविधि कैमरे में नजर नहीं आ रही है। वन विभाग तड़म गांव में दूसरा पिंजरा फिर लगा कर चले गए हैं, जिससे कि तेंदुआ दूसरे पिंजरे में कैद हो जाए। और देखिए उत्तराखंड के विकास नगर से खबर है, यूपीसीएल जेई 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। जेई परवेज आलम और उसका सहयोगी आदित्य नोटियाल ट्रैप किए गए। विजिलेंस टीम ने दोनों को किया ट्रैप। बिजली कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ता से लिए थे 15,000 रुपए। विजिलेंस टीम आरोपी से कर रही है पूछताछ। शाम करीब 7 बजे से जारी है कार्रवाई और विकास नगर अंतर्गत हर्बर्टपुर बिजली घर का ये मामला बताया जा रहा है। देखिए उधम सिंह नगर विगत कई वर्षों से महिलाओं और बच्चों के ऊपर रेप और हत्या जैसे अपराध बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए यहां पर समाज सेवी सुब्र विश्वास महिषा बनकर जनता के बीच उभर रहे हैं। रुद्रपुर गदरपुर सितारगंज क्षेत्र में जब पीड़ित लोग अपने क्षेत्र के नेताओं और प्रशासन से हताश होकर समाज सेवी सुब्र विश्वास के पास उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, जनता का कहना है कि इंसाफ मिलता है। पीड़ित बच्ची की माँ बाप का कहना है कि उनके परिवार के लिए समाज से भी सुब्र विश्वास किसी अवतार से कम नहीं। और देखिए गदरपुर सितारगंज रुद्रपुर क्षेत्र की सैकड़ों की संख्या में बच्चियों और महिलाओं के बलात्कार हत्या का केस विगत 4 वर्षों से अपने माध्यम से लड़ा जा रहा है और उनको इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी बातें कर आम जनता को सड़कों पर छोड़ देते हैं, सुब्र विश्वास अपनी जान की परवाह ना कर इंसाफ दिलाने के लिए मसीहा के रूप में पीड़ित बच्ची और
परिवार के लिए वरदान साबित हो रही है। और समाज सेवी सुब्र विश्वास अपने अब तो रुद्रपुर विधानसभा में ये भी कहा जाने लगा है कि जहां कोई नेता नहीं पहुंचता वहां सुब्रत विश्वास पहुंच जाता है गरीबों की हक की लड़ाई यहां पर लड़ने। को हम इंसाफ दिलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर एक शांति मिलती है कि चलो सच की लड़ाई जो हमने लड़ी है हमें इंसाफ दिलाया हमने किसी को, क्योंकि इसीलिए हम लड़ते हैं, हम इसीलिए लोगों के बीच में खड़े होते हैं, चाहे मजदूर की बात हो गरीब वर्ग का है कौन आज के डेट में। नेता आते हैं इनसे वोट लेके चले जाते हैं, अगर हम भी इन्हीं की तरह बन जाए तो हमें और दूसरों में क्या फ़र्क पड़ेगा। ये वो हैवान हो चुके हैं इस देश के अंदर जो खाली वोट तक मजदूरों के लिए गरीबों के लिए सीमित है, मगर हमारा कहना है कि धरातल में इंसाफ मिलना चाहिए और इंसाफ के लिए हर सक्षम प्रयास किया जाएगा। आज मजदूरों और गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते 6-7 मुकदमे मेरे ऊपर है, मैं उसको भी लड़ रहा हूँ और मैं मजदूरों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ और कई बच्चों के रेप केस वालों को मैंने अंदर किया और कई लड़कियों का अपहरण करने वालों को मैंने जेल के अंदर भिजवाया। मुझे सुब्रत दादा का जाता है और मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं आखिरी में मतलब लड़ाई जीत गए हैं वो भी सुब्रत दादा के चलते, और मैं ये चाहती हूँ उनकी जैसा इंसान दुनिया में होना चाहिए हर एक कोने में। वो जितने देखिए कत्यूर घाटी के ग्रामीणों की कुलदेवी कोटी भ्रामरी मंदिर में स्थानीय मेले का उद्घाटन अल्मोड़ा से सांसद अजय टमटा ने किया, और कत्यूर घाटी में हर साल नंदाष्टमी के दिन कोट भ्रामरी के मंदिर से भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। धार्मिक आस्था के रूप में विख्यात कोट भ्रामरी मंदिर के आयोजन में गढ़वाल और कुमाऊं के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से मेले में प्रतिभाग किया जाता है। कोट भ्रामरी मंदिर में सप्तमी के दिन जगराता रखा जाता है, जगराता में देवता अवतरण का कार्यक्रम भी दिया यहाँ पर दिखाया जाता है। देवता अवतरण को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण कोट भ्रामरी मंदिर में पहुँचते हैं। प्रशासनिक तौर पर धार्मिक मेले को सफल बनाने के लिए आवश्यक बंदोबस्त किए जा रहे हैं। हमारी कुलदेवी पूरे कत्यूर घाटी की कुलदेवी माँ कोट भ्रामरी का माँ नंदा का ये मेला कल हमारे षष्ठी के दिन से प्रारंभ हुआ और आज इसका विधिवत रूप से हमारे यहाँ के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार में मंत्री आदरणीय अजय टमटा जी ने इसका विधिवत रूप से शुभारंभ इस मेले का करा। और ये मेला हमारा बहुत वर्षों से ये मेला रहा है, जहाँ इस मेले का धार्मिक स्वरूप है वहीं कुमाऊँ गढ़वाल की एक मेल मिलाप का भी ये मेला रहा है। और कत्यूर वंश से लेकर हमारे चंद्रवंशी राजाओं के समय से लेकर उसके बाद लगातार माँ भ्रामरी का आशीर्वाद पूरे कत्यूर घाटी नहीं अभी तो मैं कह सकता हूँ पूरे गढ़वाल और इधर बागेश्वर के दूर दराज के लोग, इधर अल्मोड़ा जनपद के दूर दराज के लोग भी इस मेले में आते हैं। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करूँगा कि सबकी मनोकामना माँ भगवती पूरी करें। शक्ति का ये महापीठ जो हम सबकी कुलदेवी है और कत्यूर वंशजों की देवी के रूप में जिनकी मान्यता बहुत ज़्यादा रही है और उसके बाद चंद्रवंश राजाओं की कुलदेवी के रूप में माँ कोट भ्रामरी को मान्यता पहले से ही सिद्ध के रूप में मिली है और इसलिए ये स्थान अपने आप में बहुत ही पवित्र स्थान है। जो है जो आज कोट भ्रामरी देवी का नंदा अष्टमी का मेला है, भाद्रव शुक्ल पक्ष की सप्तमी का आज दिन है। यहाँ पर केले का वृक्ष लाया जाता है, उसका जो है देवी की जो है उसको देवी बनाई जाती है, उसमें पूरा जेवरात पहना। देखिए विचला दानपुर अंतर्गत लीती गांव में 3 सालों के बाद मां भगवती का पूजन का कार्यक्रम सातू आठू मेले के रूप में किया जाता है। ग्रामीणों की परंपरा के अनुसार देवता अवतरण से पूर्व नंदा कुंड जाकर पूजा आठ करके यहां पर ब्रह्म कमल लाने की परंपरा यहां पर बताई जाती है। परंपरा को निभाते हुए भगवती मंदिर के धामी मौर जैतारो सहित 21 लोगों का दल नंदा कुंड से ब्रह्म कमल लेकर लौटता है और लाटू पॉट पहुंचकर देवी डंगरियों का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया जाता है। नंदा कुंड से लाए गए ब्रह्म कमलों को देव डंगरिये ने रिंगाल के डंडों में बांधकर यहां पर देव स्तुति करते हुए पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करते हुए लीति के भगवती मंदिर तक पहुंचाया जाता है। रिंगाल में ब्रह्म कमल बांधकर ग्रामीणों का देव स्तुति नृत्य से सभी का मन यहाँ पर मोह जाता है। प्रसाद के रूप में ब्रह्म कमल को भक्तों को वितरित किया जाता है। कुंड की तरफ को यात्रा गई हुई थी तो आज वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। लगभग सुबह 10 बजे ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया, उन 21 लोगों का जो नंदा कुंड गए थे, और पंचमी के दिन जब नंदा कुंड की पूजा अर्चना हुई होगी तो उसके आसपास उगे हुए जो ब्रह्म कमल हैं वो सारे 21 लोग उन ब्रह्म कमलों को लेकर के यहाँ पर आए और ग्रामीणों द्वारा रिंगाल यहाँ पर लाया गया और उसके बाद रिंगाल में ब्रह्म कमल लगा करके पीछे जैसा आप देख रहे हैं
इसके बाद जो है पूरी भव्य यात्रा एक एक रिंगाल प्रत्येक व्यक्ति पकड़ता है और अगल बगल के भी बहुत सारे ग्रामीण बहुत सारे श्रद्धालु हजारों की संख्या में इस यात्रा में उमड़ते हैं और ये यात्रा यहाँ से लेकर के माँ भगवती मंदिर तक होती है और हजारों श्रद्धा। देखिए हल्द्वानी में गणेश महोत्सव की जगह जगह धूम देखने को मिल रही है। प्राचीन शिव मंदिर कमेटी द्वारा मंगल पड़ाव में गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है तो वहीं पटेल चौक पर महाराष्ट्र की तर्ज पर गणेश महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है और इस गणेश चतुर्थी के मौके पर भव्य रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन हो रहे हैं और भगवान गणेश जी के आरती के साथ ही भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है। खासकर स्कूली छात्र छात्राओं में गणेश महोत्सव को लेकर बेहद उत्साह है। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं द्वारा गणेश वंदना के सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। वहीं गणेश चतुर्थी के मौके पर आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों का आनंद लेने के लिए हजारों लोग कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। आयोजकों को का कहना है कि भगवान गणेश को याद करने का पूरे साल भर में सबसे अच्छा अवसर है, जब भगवान गणेश की वंदना के साथ ही उनकी आरती में लोग पूजा अर्चना का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम की मेला में आज हमने सम्मान ज्ञान प्रतियोगिता जिसमें 225 बच्चे इस प्रतियोगिता में बैठे और आज शाम को बहुत ही सुंदर यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हो रहे हैं और कल बहुत ही सुंदर एक डांडिया उत्सव जो द हट गार्डन रेस्टोरेंट की तरफ से आयोजित किया जा रहा है और परसों बाबा खाटू श्याम का दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा जिसमें बाहर से आयो कलाकारों के द्वारा भजन संध्या कर यहाँ के प्रभु खाटू श्याम को मनाकर सभी भक्तों के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि सबको सुख संपत्ति दे और सबको स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे, ऐसी प्रार्थना हम लोग करते हैं। साधना डांस सिटी की ओर से अपना नृत्य दिखाने आए हैं, यहाँ बहुत अच्छा है। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर कला की ओर से यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए जा रहे हैं तथा यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, हम कथक नृत्य केंद्र हल्द्वानी से हैं और हम सभी यहाँ पे दुर्गा स्तुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं और ये हम सभी का इसमें से बहुत सारे हम लोग मैरिड हैं तो हम लोग का बहुत। देखिए सरोवर नगरी नैनीताल व कमाऊं मंडल के कई क्षेत्रों में नंदा सुनंदा महोत्सव कमली यहां पर कदली वृक्ष आगमन के साथ शुरू हो गया है। ये महोत्सव 15 सितंबर तक चलेगा। अष्टमी के दिन सुबह मां नंदा सुनंदा की मूर्ति श्रद्धालुओं के लिए प्राण प्रतिष्ठा के साथ दर्शनों के लिए रखी जाएगी। कदली वृक्ष आगमन पर हजारों लोगों ने माँ के जयकारों के साथ नगर परिक्रमा करने के बाद नैनी देवी मंदिर में रखा गया और जहां से कदली वृक्ष ही मां नंदा सुनंदा मूर्ति का निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री उत्तराखंड कमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत नैनीताल ने मां नैना देवी मंदिर में पहुंचकर कदली वृक्ष की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, साथ ही मेले का जायजा भी लिया। कहा कि मेले की व्यवस्था साल दर साल बेहतर होती जा रही है। नंदा महोत्सव पर नैनीताल नगर का माहौल अद्भुत और दर्शनीय होता है। नंदा देवी महोत्सव में नैनीताल को देखना और वैसे नैनीताल को देखना दोनों अलग चीज है। इस वक्त जो नैनीताल होता है मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कभी नहीं होता है और मेरी कोशिश रहती है हमेशा यहाँ पे रहूं। जो व्यक्तिगत रूप से माता जी का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहा है, बच्चों को भी फैमिली को भी, मेले की जो व्यवस्थाएं हैं साल दर साल अच्छी हो रही है। इनफैक्ट अब मानस खंड में भी इसको ले लिया गया है और उसके तहत जो काम किए जाने उनकी कार्रवाई वर्तमान में चल रही है। आने वाले वर्षों में क्योंकि आप जानते हैं कि बेहद प्रचार प्रसार हो रहा है आपके माध्यम से और वैसे सब लोग जुड़ना चाहते हैं तो और भी सुविधाओं की इसमें आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो पार्किंग का हो, ड्रेनेज का हो, आसपास के कूड़े का निस्तारण हो। निश्चित रूप से माता जी के आशीर्वाद से ये सब काम पूरे होंगे और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आपके माध्यम से